आज का टॉपिक है गीगाहर्ट्ज, मतलब GHZ के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक देखिए। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉक स्पीड इज द रेट एट व्हिच ए प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स ए टास्क एंड इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज GHZ। जो गीगाहर्ट्ज है वो एक मेजरमेंट स्केल है, मतलब मेजरमेंट्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स है किसका, प्रोसेसर का। ओके, प्रोसेसर कितना वर्क कर सकता है, कितना टास्क वो कंप्लीट कर सकता है, कितना ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर सकता है, हम मापते हैं गीगाहर्ट्ज से, GHZ से। ओके, वंस ए हायर नंबर मीन ए फास्टर प्रोसेसर। जितना गीगाहर्ट्ज ज़्यादा होगा, मतलब जितना नंबर का गीगाहर्ट्ज होगा, मतलब अच्छा होगा, जितना नंबर ज़्यादा होगा गीगाहर्ट्ज में, उतना ही प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट वर्क कर पाएगा। बट एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव मेड द प्रोसेसर चिप मोर एफिशिएंट, सो नाउ दे डू मोर विथ लेस। वो जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। इसीलिए मान लीजिए आप आज के टाइम में जो गीगाहर्ट्ज जो लेटेस्ट चल रहा है वही ख़रीदते हैं, लेकिन वो एक साल या दो तीन महीने के बाद वो लेस हो जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा पावर वाला या परफॉर्मेंस ज़्यादा जो है फिर से प्रोसेसर आ जाता है मार्केट में। ओके, तो लेस हो जाता है। When referring to a computer processor or CPU, GHZ is a clock frequency, also known as a clock rate or clock speed, representing a cycle of time. जो देखिए, जो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है और CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो GHZ इज क्लॉक फ्रीक्वेंसी से मापते हैं। ऑल्सो नोन एज क्लॉक रेट भी बोलते हैं उसको और क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम लगाता है ना, कोई भी जो टास्क या जो भी आप इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, कुछ टाइम लगता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। ओके, उससे क्लॉक स्पीड बोलते हैं और वो फाइनली आउटपुट आपको देता है प्रोसेस करके। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।